मोगा के गांव डाला के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बली की हत्या के मामले में परिवार ने सोमवार को कैंडल मार्च निकाला। परिवार की तरफ से अभी तक संस्कार नहीं किया गया है। वहीं सोमवार को उनके परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंची कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान बाजवा ने कहा कि पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, घर में बैठा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई उससे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हत्या को 13 माह बीत चुके हैं, उनके परिवार वाले अभी भी इंसाफ के लिए उधर उधर भटक रहे हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी भरोसा नहीं दिलाया गया है। आप संस्कार कर दो, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। देखो मैं इस तरह लोगों ने बहुत अफसोस वाली गल है, साढ़े ब्लॉक के प्रधान सन सा बलजिंदर सिंह बली जी, चंद दिन पहले जदों मोगे दे विच साडा धरना होया इक्को स्टेज ते सी, उस तो बाद चंद दिनों बाद दी इह वाकिया है। अज मैं उन्हां दी वाइफ नूं उन्हां दे बेटे नूं अंदर मिल के भी आया। उन्हां दी मेन डिमांड परिवार दी ते साडी पार्टी दी ते इस नगर दे उन्हां दे सारे साथियों दी ते उन्हां दे रिश्तेदारां दी इह है कि जिन्हां लोकां नूं गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस वल्लों, अजे तक पंजाब पुलिस ने एक क्लैरिटी नहीं दी कि कतल करवाने वाला आदमी कौन है।